नमस्कार दोस्तों, संध्या वेज किचन में आपका स्वागत है। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, उसके बगल में जो बेल आइकन है उसको दबाना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि हमारे नए नए रेसिपी के वीडियो आपको सबसे पहले मिले। आज हम कटलेट की रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। चलिए सामग्री देख लेते हैं। 3 बारीक कटी हुई मिर्ची, 3 आलू उबाल करके छील करके रख लिया है, और ये 1 कप सूजी, 1/2 कप दही, बारीक कटी हुई धनिया पत्ती, और ये धनिया पाउडर, चाट मसाला, हल्दी पाउडर, स्वाद के अनुसार नमक। गैस को तेज फ्लेम में जला दिया है और कढ़ाई को थोड़ी देर गर्म होने देंगे। कढ़ाई गर्म हो गई है, इसमें डालेंगे सूजी। सूजी को बिना घी तेल के ही ऐसे ही भूनेंगे। सूजी को लगातार चलाते हुए भूना है, और सूजी को इतना ही भूनना है, ज्यादा नहीं भूनना है, लाल नहीं करना है इसको, बस इतना ही भूनना है। थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए, ज्यादा कलर चेंज नहीं करना है। जैसे अपन हलवा बनाते हैं उतना नहीं भूनना है। अब हम गैस कर देंगे बंद और इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। इसे हमने एक प्लेट में निकाल लिया है। ये देखिए, इसको इतना ही भूनना है, इससे ज्यादा नहीं भूनना है। अब हम इस दही को अच्छे से फेंट करके चिकना कर लेंगे। इस तरीके से चम्मच से फेंटते जाएंगे। दही हमारा फेट चुका है, अच्छे से चिकना हो चुका है। इसी में हम डाल देंगे सूजी। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और अच्छे से इसको मिला लेंगे। ये हमारी सूजी अच्छे से मिल चुकी है इसमें। अब हम इसको रख देंगे साइड में और दूसरी तैयारी करेंगे। अब हम आलू को, जो 3 आलू हमने लिया है उबाल करके और इसको छील लिया था, तो इसको इस तरीके से हम हाथ से आलू को हमने अच्छे से पूरा मसल लिया है। अब इसमें डालेंगे धनिया पाउडर, नमक स्वाद के अनुसार, नमक और ये चाट मसाला। चाट मसाले में भी नमक होता है, इसलिए नमक ध्यान से डालिएगा, और ये हल्दी पाउडर। और इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। डालेंगे हरी मिर्ची। अगर आप ज्यादा स्पाइसी पसंद करते हैं तो इसमें लाल मिर्ची भी ऐड कर सकते हैं। हम हरी मिर्ची, 3 हरी मिर्ची काटे हैं, और बारीक कटे हुए धनिया पत्ती। इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये हमारा, ये आलू में सारे मसाले मिक्स हो चुके हैं, और ये जो सूजी फूलने के लिए रखा था इसको भी इसी में मिला लेंगे, और इन सबको इकट्ठे मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें से एक लोई तोड़ेंगे और इसे सेप देंगे। आप अपने हिसाब से मनचाहे सेप दे सकते हैं कटलेट के लिए, गोल या लंबा, लंबा सेप भी दे सकते हैं। हम गोल गोल बना रहे हैं। ये देखिए, गैस पे कढ़ाई रख दी है, तेल डाल करके, और तेल को थोड़ी देर गर्म होने देंगे। थोड़ा सा टुकड़ा डाल करके चेक करेंगे। ये देखिए, हमें तेल ज्यादा गर्म नहीं चाहिए, इतना ही तेल गर्म चाहिए, इसलिए इतना ही करा है। ये देखिए, अब हम इसमें कटलेट डालेंगे। अब उसी समय बना बना के डालते जाएंगे कटलेट। पहले से बना के अगर रखें तो चिपक जाएगा, इसे जब तेल गर्म हो जाए तभी उसको साफ साफ अपन बनाते जाएंगे इस तरीके से, और डालते जाएंगे। एक एक करके सारे कटलेट को पलट लेंगे इस तरीके से। ये एक हमने लंबा शेप दिया था, आप चाहे तो अपने हिसाब से लंबा या गोल किसी तरीके से बना सकते हैं। और इनको अच्छे से पकने देंगे। गैस को मंदी नहीं करना है ज़्यादा, नहीं तो ये इसमें तेल ज़्यादा भर जाता है कटलेट में, तो अच्छे नहीं लगते हैं। अब हम इनको निकाल लेंगे एक प्लेट में। ये हमारे सारे कटलेट बन करके तैयार हो गए हैं। हमने इसे सर्व कर लिया है।